जिसके आने के बारे में पहले ही हमें बता दिया गया था। मौसम विभाग को जिसकी आशंका पहले से ही थी, एग्जैक्टली उसी टाइम पर वो आ भी चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यास तूफान की। आज 25 तारीख को इसके आने की संभावना थी और आज ये आ भी चुका है। बड़ी खबर देखिए, आप इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। चक्रवात यास का असर देखने को मिल रहा है। बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि तूफान के कल टकराने के आसार, लेकिन इसका असर आज ही देखने को मिल रहा है। तूफान से पहले की बारिश की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देख पा रूंगे। और इस तूफान के कारण बिहार और झारखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। साइक्लोन यास के चलते देखिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भी तेज बारिश हुई। और अब ये कल तक दोस्तों, कहने का मतलब अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से भी टकरा जाएगा तूफान यास। और इस बारिश के बाद एनडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट हो चुकी हैं। ये देखिए आईएमडी की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से तूफान जो आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर आईएमडी की ओर से कुछ तस्वीरें शेयर की गई है। ये देख सकते हैं दोस्तों आपकी बंगाल की खाड़ी में उठाए चक्रवाती तूफान किस तरह से पश्चिम बंगाल और इधर उड़ीसा वगैरह इन राज्यों के तटों की ओर पहुंच रहा है। वहीं ये जो तूफान है धीरे धीरे खतरनाक रूप लेता जा रहा है। चक्रवात यास कई राज्यों में ये तबाही बचा सकता है। किन किन राज्यों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी जारी की गई है तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तो है ही, इसके अलावा इसका असर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। और इसीलिए तो देखिए आप दोस्तों की उत्तर प्रदेश में भी असर दिखाएगा साइक्लोन यास। 5 दिन तक लगातार 27 जिलों में भारी बारिश की संभावना है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। यूपी बिहार तक इस तूफान यास का असर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए यूपी बिहार सहित कई राज्यों में कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी और भयंकर तबाही का अलर्ट भी जारी किया गया। यास तूफान जो कई इलाकों में तबाही मचा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे साइक्लोन ताऊते ने भी किस तरह से मतलब गुजरात वगैरह इन राज्यों में कितनी तबाही मचाई थी, पेड़ पौधे उखड़ गए, बिजली के खंभे टूट गए वगैरह वगैरह, तो ऐसा माहौल आपको इन राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। शुरुआत इसके हो चुकी है, अगले 24 घंटों के दौरान कभी भी ये तट से टकरा सकता है और तबाही मचाना शुरू कर सकता है। इसीलिए सावधान रहें इन इलाकों के आसपास वाले लोग, स्पेशली अगले 12 से 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इनके जो साइड वाले जिले के लोग बाग है ना, वो प्लीज सावधान रहें। तमिलनाडु, बांग्लादेश, त्रिपुरा, ये लोग भी सावधान रहें, कभी भी तूफान आ सकता है। ओके, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।